मेरे अनमोल मित्र, यह वर्ष आतंक और आंसुओं का वर्ष रहा। हमारे जीवनों के मामलों में कोई निश्चयता नहीं है। हमारे मुंह बंधे और हमारे हृदय डर से भरे हुए हैं, परंतु इन सब के बीच में प्रभु हमारा चरवाहा बना रहा। इस संसार में शायद आप आंसुओं में रहे हैं या इस वर्ष बहुत सी क्षतियां हुई होंगी, परंतु एक प्रतिज्ञा है जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमें आशा प्राप्त होगी। प्रकाशित वाक्य के साथ उसका 17 कहता है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। दूसरा अनुवाद कहता है, परमेश्वर खुद, हाँ वे खुद आएगा और आपकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। यीशु आपके आंसुओं को सहन नहीं कर पाता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर था, तब मरियम, मार्था और लाजर नाम का एक परिवार था जो उसकी संगति में रहा करते थे। अचानक लाजर बीमार पड़ गया और मर गया। जब यीशु उस शोकित परिवार से मिलने गया, तो वे भी उनके साथ रोया। यूहन्ना 11 उसका 35। उनके आंसुओं से उत्तेजित होकर यीशु ने मृतक लाजर को जिलाया और जीवित किया। इब्रानियों 5 उसका 7 में, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इसलिए यीशु आपके आंसुओं को देखता है और वह जानता है कि हर समय आप एक ऊंचे शब्द से विलाप कर रहे हैं। निश्चय वह आपके पास, हाँ आज ही वह खुद आपके पास आएगा और आपके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। भजन संहिता 56 उसका 8 में भजनकार कहता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुपी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हाँ, प्रभु ने आपके हर बहाए हुए आंसू को एक कुपी में डालकर रख लिए हैं। अब इस अंतिम समय में वे आपके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज की प्रतिज्ञा का वचन इस प्रकार शुरू होता है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यशायाह 25 उसका 8 में बाइबल कहती है, वे मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है, हाँ आपकी नाम धराई दूर होगी और परमेश्वर मृत्यु की बदबू को भी हटा देगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और वे आगे से आपको आंसू बहाने की अनुमति नहीं देगा। आप फिर कभी कोई विपत्ति न भोगेंगे। परमेश्वर आपको इस प्रतिज्ञा के साथ आशीषित करेगा। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस वर्ष भर मेरी रक्षा करने और मेरी अगुवाई करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हे प्रिय प्रभु, सभी की आंखों में से सब आंसुओं को पोंछ डालें। मुझे आपकी आशीष और संपन्नता दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।